इंडियन आइडल सीजन वन। जी हाँ, इंडियन आइडल सीजन वन की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभिजीत सावंत जो विनर बने थे वो तो कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन उनके बाद जो रनर अप बने थे वो थे राहुल वैद्य। लेकिन राहुल वैद्य को रनर अप बनने की इतनी आदत पड़ गई कि जब वो बिग बॉस सीजन 14 में आए, 2020 से लेकर 2021 तक जो शो चला जो कि एक्सटेंड हो गया सलमान खान द्वारा होस्टेड, उसमें भी वापस से बने वो रनर अप, जहां पर रुबीना दिलैक बनी थी विनर। लेकिन अब जो खबर आई है दोस्तों वो आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी और आपको खुश कर देगी। राहुल वैद्य करने वाले हैं सिंगिंग रियलिटी शो को होस्ट, यानी कि बनने वाले हैं एंकर। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, खम अग्नि गेम शो के रोहाल का सकाय, मैं हूं करण रजानी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें लगातार हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर लें नोटिफिकेशन के लिए। राहुल वैद्य जो कि दिशा परमार के साथ में अक्सर बाहर दिखते हैं, नजर आते हैं, उनके साथ में वो चौपर में वेकेशन पर भी गए थे। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद उन्होंने मैरी मी वगैरह का जो एक नारा लगाया था, उसके बाद से इतने ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए राहुल वैद्य। वो एंटरटेनर के रूप में जैसे राखी सावंत है उसी तरह से राहुल वैद्य का नाम भी आने लगा। वैसे तो सब र र र ही थे, रुबीना, राहुल, राखी, वाह क्या बात है। लेकिन दोस्तों राहुल वैद्य की बात कुछ और है। जब वो गाना गाते हैं, साथ में गिटार बजाते हैं, जब वो मिमिक्री करते हैं, जब वो डांस करते हैं, जब वो कॉमेडी करते हैं, तो सारी चीज़ें उन पर जचती है। हाल ही में सुनने में आया था कि उनको एक्टिंग का जो है ऑफर आया है, लेकिन उन्होंने फिलहाल के लिए उस ऑफर को एक्सेप्ट किया या नहीं ये बातें तो अब तक नहीं आई है बाहर। लेकिन ये बात आ गई है कि अब उन्हें आया है एक नए सिंगिंग रियलिटी शो का ऑफर। और क्या आप उन्हें देखना चाहते हैं एज अ होस्ट, यानी कि जहां पर वो गाना गाते थे अब वहां पर वो होस्टिंग करेंगे। अब वो कौन सा शो है आप खुद समझ जाइए। जैसे राघव जुयाल यानी कि क्रॉक रॉक्स ने डांस इंडिया डांस से शुरुआत की ऑडिशन देने के लिए, जो कि डांस की दुनिया में, लेकिन वो बन गए होस्ट, वैसे ही राहुल वैद्य इंडियन आइडल सीजन वन से अब बनने जा रहे हैं सिंगर से होस्ट। क्या आप इस चीज से खुश हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। मैं हूं एंकर करण रजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। टेक केयर एंड गुड बाय।